शौहर बीवी एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे कोई बीवी है, बहुत गरीब है, शौहर चाहता है ज़कात के पैसे बाहर क्यों दूंगा, अपनी बीवी गरीब है उसे दे देता हूँ, या बीवी चाहती है कि अपने शौहर को ज़कात के पैसे अदा कर दूंगी। तो इस तरह एक दूसरे को अगर गरीब हैं तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, मसला क्या है। मसला जैसा कि फतावा आलमगिरी में जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 189, फतावा शामी जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 346, इसके अलावा बहुत सी किताबों में ये मसला मिलेगा। जवाब यह है कि न शौहर बीवी दे सकता है ज़कात, न बीवी शौहर को ज़कात के तौर पे कुछ की दे सकती है। हाँ, हदीये दे सकते हैं, तोहफे दे सकते हैं, लेकिन ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात अगर देंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। फायदा कैसे नहीं होगा? फायदा ऐसे नहीं होगा कि घर का माल घर में रह जाएगा। ज़कात के पैसे जो ज़कात के तौर पर हम निकालेंगे गरीबों को देंगे, और अब अगर अपनी बीवी को घर के पैसे दे देंगे जो उसकी मिल्कियत में है, तो फिर घर का माल घर में रह गया, तो फिर फायदा क्या होगा ज़कात का। इसीलिए ज़कात के पैसे न शौहर दे सकता है बीवी को, न बीवी शौहर को दे सकता है दे सकती है। लेकिन हाँ, एक दूसरे के खानदान को अगर देना चाहें, जैसे अगर कोई चाहता है, शौहर चाहता है मैं अपने ससुर को दूंगा, बिल्कुल दे सकता है, कोई हर्ज नहीं। अगर बीवी चाहती है मैं अपने सास ससुर को दूंगी, अगर शौहर चाहेगा अपने बाप माँ को देने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बाप माँ हैं, वालिदैन को अब्बा अम्मा को ज़कात नहीं दे सकते। बीवी चाहेगी अपने जो है अपनी ज़कात का जो उसके जो पैसे हैं वो अपने बाप माँ को देना चाहेगी, नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, शौहर अगर चाहेगा सास ससुर को देने के लिए, बिल्कुल दे सकता है। बीवी भी वैसे ही शौहर के सास ससुर को अपने ज़कात के पैसे दे सकती है, शौहर के ज़कात के पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि वो उसके अब्बा अम्मा हैं शौहर के, उसके पैसे ज़कात के वहां अदा नहीं होंगे। लेकिन बीवी जो अपने ज़कात के पैसे निकालेगी, अगर वो चाहेगी अपने सास ससुर को देना, बिल्कुल दे सकती है, कोई हर्ज नहीं है।